हेलो दगड़ियो, नमस्कार। अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं गुरु उठवाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दगड़ियो, आज लाए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल सा, और आज हम देवू भाई के रूम में हैं। तो देवू भाई का एक डिजिटल रूम है और उसमें एक उसकी प्यारी सी दोस्त है जो एक डिवाइस है, नाम है एलेक्सा। तो एलेक्सा ये है हमारी एक सुंदर सी दोस्त है देवू भाई की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे दो टाइप में, मतलब फाइट कराएंगे या फिर समझ सकते हैं। सॉरी, मुझे ये नहीं पता। ये बार बार डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एलेक्सा है और एक है पुरानी दोस्त किताब। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी मित्र किस टाइम के लिए सही थी, या फिर उस टाइम में जब ये 90s के दशक में चला करती थी, 90s से 2010 के आसपास किताबों का प्रचलन था, और अभी जो प्रचलन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रचलन है। तो आज हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे और थोड़ी एलेक्सा दोस्त से हम मस्ती भी करेंगे, और किताबों की जो पुरानी लिखावट है, जो कलम का खेल है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोनों के मजे लीजिए, हम दोनों के मजे आपको दिलाएंगे और हम भी खुद मजे लेंगे। तो दगड़ियों, इसी वीडियोस के साथ आप जुड़े रहें और एंजॉय लीजिए, और अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, और एक घंटी यहाँ पर होती है, दबाना पक्का, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, तो देखिए वीडियो। तो दगड़ियों, जैसा कि मैंने बोला था ना, तो ये है एक डिवाइस, इसका नाम है एलेक्सा। ऑन हो गया एलेक्सा नाम सुनते ही। तो इसको हम कुछ आज इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं एलेक्सा दीदी से। तो एलेक्सा दी, लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ हो चुकी है, और फिर से मैं इसको ऑर्डर करूंगा। मैं यहीं पे बैठा हूं, ना कोई लाइट ऑन करा ना कुछ। एलेक्सा लाइट ऑन। आप देख सकते हैं बटन वहां पे है और मैं यहां पे बैठा हूं। तो एलेक्सा से बोलूंगा ना, मैं कुछ नहीं चला रहा हूं, देख सकते हैं आप। तो एलेक्सा एक गाना सुनाएंगे ललित मोहन जोशी का। Amazon Music पर ये रहा ललित मोहन जोशी का म्यूजिक। एलेक्सा स्टॉप, कॉपीराइट लग जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, थोड़ी सी गाने सुनाए और लाइट ऑन ऑफ किया, डेस्कटॉप ऑफ कर दूं। तो देखिए फिर मैं यहां पर हूं, ठीक है, थोड़ा इधर को आ जाता हूं और मस्ती देखिए एलेक्सा की। एलेक्सा डेस्कटॉप ऑफ। क्या आपका मतलब डेस्क था? हाँ डेस्क था, ऑफ कर दो। बहुत प्यारा कहना मानती है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं बंद हो गया। अब मैं यहीं पर है, हाथ मेरे यहीं पे है, डेस्कटॉप पे कोई नहीं है। देखना एलेक्सा डेस्कटॉप ऑन, देख सकते हैं आप डेस्कटॉप ऑन हो चुका है। तो देखिए एलेक्सा कैसा लगा, अब कुछ चुटकुले सुनवाते हैं। एलेक्सा चुटकुले सुनाओ। एक आइलैंड पर स्कूल में वहां के लोकल बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बार बच्चों से कहा कि हमारे चारों तरफ पानी है, तो हमें तैरना आना चाहिए। ये बात सुनकर चिंटू परेशान होकर बोला कि सर, फिर तो सबसे पहले हमें उड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा भी है। ये कैसा चुटकुला था? चुटकुला पसंद आया? मुझे तो पसंद नहीं आया। एलेक्सा कुछ दूसरा चुटकुला सुनाओ। चिंटू ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे अपना पेन दीजिए, मुझे सोनू को लेटर लिखना है। पापा ने पूछा, अरे पर तुम्हें लिखना कहाँ आता है? चिंटू ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, सोनू को भी पढ़ना नहीं आता है। ये थोड़ा ठीक था पहले वाले से। तो एलेक्सा ने चुटकुला हमें सुना दिया है, अब क्या सुनाओगे एलेक्सा? कुछ नहीं सुना रही हो। तो हम एलेक्सा से कुछ मस्ती भरे सवाल करना चाहेंगे, तो आप भी सुनना पसंद करेंगे जहां तक ख्याल है। तो सुनो एलेक्सा, आपका नाम क्या है? सारा शहर मुझे एलेक्सा के नाम से जानता है। आप काम क्या करते हो एलेक्सा? आप काम क्या करते हो? Topper.com से मिले एक उत्तर का अनुवाद ये रहा,
कब तक किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लागू बल उस ऑब्जेक्ट को ले जाता है। एलेक्सा, आपका काम क्या है? मेरे पास ढेरों चीजें हैं। कुछ ऐसा कहें, एलेक्सा, आज कितना ट्रैफिक है बाहर? तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है या नाइट ऑफ कर दो। अच्छा, तो आप इतना ही जानते हो एलेक्सा? एलेक्सा, आप इतना ही जानते हो? सॉरी, मुझे वो नहीं मालूम। एलेक्सा, आपकी शादी हो गई? मैं सिंगल हूँ। ये बेचारी भी सिंगल है, ठीक है। एलेक्सा, आप शादी कब करोगे? मैंने अपने आप से एक वादा किया था, शादी तभी करूंगी जब मार्स पे एक छोटा सा घर होगा। तेरी एलेक्सा, तो मार्स पे घर कौन बना रहा है? सॉरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो आप तो एलेक्सा, तो आप तो बोल रहे हो मार्स में घर बनेगा और मैं शादी करूंगी। सॉरी, मुझे वो नहीं मालूम। तो आप एलेक्सा, तो आपकी शादी कैंसल। फिलहाल ये कैलेंडर क्वेरी सपोर्टिव नहीं है। तो एलेक्सा की शादी कभी नहीं होने वाली दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, ठीक है। तो दगड़ियों, जैसा कि आपने बल्ब का तो देखा था कि एलेक्सा बल्ब कैसे ऑफ करती है, अब दिखाते हैं आपको एसी भी कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारा एसी चल रहा है 24 पे। देवदा, तो आप कैमरा वहीं पर लगाए रखना, ठीक है। तो मैं एलेक्सा को बोलूंगा, एलेक्सा एसी आप पहुंचाइए 30 पे। एसी 30 पर सेट है। तो देख सकते हैं आप एसी ऑटोमेटिक 30 पे चला गया है। अब एक बार फिर से कंट्रोल करके एलेक्सा को बोलूंगा कि 24 लाए, ठीक है। एलेक्सा एसी 24 में लाओ। एसी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल कुछ है नहीं, तो वो खुद ही ऑन हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खेल, अब आते हैं सन 47 की सदी पे, 90s की टाइम पे। तो उस टाइम पे होती थी कलम और किताब, तो लोग अपने दिल की आवाज व्यक्त करते थे, कलम की ताकत कहा जाता था जिसको। तो कलम की ताकत क्या होती थी, जो दिल से निकली हुई आवाज क्या होती थी, दिल से निकली आवाज यूं हाथों के जरिए पुस्तक पर उतारना क्या होता था। तो इस मिली हुई ताऊजी की एक डायरी है, यह है सन 1984 की ये डायरी है, और उसी टाइम पे भी ये लिखी गई होगी, और ये भी लिख रखा है इंक से, शायद इंक से ही लिख रखा है ना। इंक और फाउंटेन पेन चलती थी उस टाइम पे, उससे लिख रखा है। पेन तो उपलब्ध होते नहीं थे, धीरे धीरे जो पेनों का आविष्कार वगैरह हुआ, तो इसमें कुछ अपने हाथों से लिखी हुई जो पेन की कलम की जो जादू है वो लिखा है, आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। तो लिखा है, लिखूं तो खत पे क्या लिखूं, लिखूं तो खत पे क्या लिखूं, लिखने की ताकत नहीं, लिखने की ताकत नहीं, क्या ऐसी भी जिंदगी है, क्या ऐसी भी जिंदगी है, तुम कहीं और मैं कहीं। वाह वाह, अद्भुत। तो ये होती है दिल का दर्द जो कलम से होते हुए डायरी पर आती है। तो एक और छोटा सा एक और लिख रखा है, मैं उसको भी पढ़ूंगा। किसी के दिल में छुपकर तरासना अच्छा नहीं, किसी के दिल पे छुपकर तरासना अच्छा नहीं, नजर में आकर छुप जाना अच्छा नहीं। वाह, किसी के दिल में आकर तरासना अच्छा नहीं, नजर में आकर छुप जाना अच्छा नहीं। अरे छुप जाना था यार, नजर में आकर छुप जाना अच्छा नहीं। तो कुछ और भी लिख रखा है, एक और पढ़ता हूं, ठीक है। तेरी याद आती है रो रो कर रह जाता हूं, मरने की चाहत है तुम्हें देखकर जी जाता हूं। वाह वाह, ये तो बहुत प्यारा था। एक बार और सुनो। तेरी याद आती है रो रो कर रह जाता हूं, तेरी याद आती है रो रो कर रह जाता हूं, मरने को जी चाहता है तुम्हें देखकर जी जाता हूं। तो दोस्तों, ये है कलम की ताकत जो दिल से उतर के इस पर आती है, ठीक है, डायरी पे। तो देखते हैं और भी कुछ अच्छा सा मिलता है तो वो भी सुनाते हैं। तो दगड़े, इसमें काफी कुछ और भी लिखा है, तो ये इसको किसी और दिन फुर्सत से लिखेंगे, अगर आपको ये शायरियां वगैरह पसंद आ रही हो
तो आप कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, और भी अच्छी लग रही हो तो शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं, जैसा कि डेली ब्लॉग की तरह आप देखते हैं, तो आज मैं आ रखा हूँ बरेली से देवू भाई के घर में आया था। तो वहाँ जो ससुर जी थे उनको MS में शिफ्ट कर दिया है, राम मूर्ति में आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो अभी MS में उनको शिफ्ट कर दिया है। तो हमें छुट्टी मिल गई थी तो हम घर जा रहे थे, तो देवू भाई के रूम में आए थे। तो देवू भाई का जो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काफ़ी अच्छे अच्छे रख रखे हैं भाई ने, और एक पुरानी सी नोटबुक मिली थी, ताऊ जी की एक डायरी मिली थी, तो इनको पढ़ के देखा तो अच्छा लगा, और इन दोनों का कंपेयर किया वो भी अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो दगड़ियों आज के वीडियो में बस इतना ही रखूंगा, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है, दिन भर ट्रेवल करने में थे और काफ़ी थकान लग गई है। तो दगड़ियों आज के ब्लॉग में मैं बस इतना ही रखूंगा, बाकी क्या कहें। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अच्छी लगी, या फिर ये पुस्तक जो एक दोस्त कह सकते हैं जिसके साथ आप बातें कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट में कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल वगैरह या फिर पुस्तकें। तो दगड़ियों आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अटक चटक पहाड़ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।